हाथरस मेरा ही फाउंडेशन और चौपाल के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रदेश सरकार की दो महिला मंत्री शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और अतिथियों को तुलसी का पौधा भेंट किया गया। इस कार्यक्रम में स्वाभिमानी कामकाजी जरूरतमंद महिलाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि थोड़ा भी सहारा मिले तो महिलाएं हर मुश्किल और मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं। चौपाल ने जब शुरुआत की थी तो 85 महिलाओं से शुरुआत की थी और आज आदरणीय भोलानाथ जी बता रहे थे कि इस कार्यक्रम में आज 30,400 का आंकड़ा पार करने वाले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और शायद इसी ने भी इस तरफ की महिलाओं को यह ताकत दी है कि हमें अगर आपने थोड़ा सा भी सहारा दिया तो फिर चाहे आसमान को आप चीर कर अंतरिक्ष में जाना हो और चाहे पानी की लहरों को चीर कर आगे बढ़ना हो, हर मुसीबत ने हर विघ्न ने हमारे सामने घुटने टेके हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ आप सबके लिए कि उठो, उठो कि मेरी बुलंदियों का एहतराम करो, उठो कि मेरी बुलंदियों का एहतराम करो, मैं सदाए वक्त हूँ, झुककर मुझे सलाम करो। वहीं प्रदेश के राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि हम बेटी हैं, बहन हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, बहू हैं, लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि समाज को बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, माँ चाहिए, बहू चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। लेकिन वो भावना होनी चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम अपने साथ साथ और भी महिलाओं को, और भी बहनों को, और भी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ मेरी जितनी बहनें बैठी हैं, जो ऋण आप यहाँ से लेकर जाएंगे, आप काम करेंगी, क्योंकि समाज का बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे अलग अलग रूप है, बेटी है, बहन है, माँ है, पत्नी है, बहू है। इस समाज में बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, बहू चाहिए, माँ चाहिए, लेकिन इस समाज को बेटी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि महिलाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, लेकिन भारत की दृष्टि क्या है, हम महिलाओं की समस्या को महिलाओं की समस्या नहीं मानते, महिलाओं की समस्या संपूर्ण समाज की समस्या है, महिलाओं की समस्या पुरुषों की भी समस्या। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल समाज सेवी संस्था राही फाउंडेशन के गोद लिए प्राथमिक विद्यालय का भी निरीक्षण करने पहुंची। राही फाउंडेशन और सामाजिक संस्था चौपाल गरीब बच्चों की पढ़ाई और गरीब महिलाओं को आर्थिक तंगी से उभारने के लिए प्रयास करती रहती है और इसी प्रयास के तहत हाथरस में महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाथरस से इंडिया न्यूज के लिए PN शर्मा की रिपोर्ट।